तस्वीरें पानीपत किला थाना कॉलोनी की है, जहां एक युवक की पत्नी और 3 बच्चे संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए और उनकी कोई जानकारी नहीं मिल रही। पीड़ित युवक अपनी पत्नी और बच्चों की फोटो लेकर दर दर भटक रहा है। पुलिस में शिकायत कर चुका है, लेकिन पुलिस में कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या कुछ है ये पूरा मामला, चलिए आपको युवक की जुबानी सुनाते हैं। निकली थी, उसके बाद इसका कोई आता पता नहीं है। इसकी मामी इसके साथ फोन मार के बुलाया, नौसंज चौक पर आ जा, वहाँ से लेके चली गई। उसके बाद कोई पता नहीं इसका। मैंने पूछताछ की तो बोली मेरे पास नहीं है। उनको दोबारा बार बार मेरे घर आओगे, मुझे परेशान करोगे तो आपको मुरवा दूंगी। उनको आप मेरा क्या उखाड़ लोगे, उनको तलाक क्यों दे देते उसको, ताकि कहीं उसकी शादी करा सके मेरे तलाक साइन लेके। ये धमकी दे रही है मुझको बार बार। पुलिस में शिकायत दी? पुलिस को बोला था मैंने सर, उसकी मामी ने धमकी दे, सुबह ही बोला सर, वो लेके गया था, कोई फायदा कोई सुनता ही नहीं सर मेरी। तो साथ में कौन है उनके? उनके सर 3 बच्चे हैं सर मेरे, वो उसका नाम सोनिया सर 7 साल की है, एक मोनिका 4 साल की, एक लड़का कार्तिक 2.5 साल का सर। वो मैं गुजारिश यही करूँगा मेरे बच्चे घर आ जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहता। अगर नहीं आए तो 2 दिन में मैं आत्महत्या कर लूँगा अपनी। मेरे गीता देवी, मेरा जी नहीं लगता अपने बच्चे बगैर सर। सर एक किले थाने का मामला है सर, कि पत्नी गायब हो गई है सर, उसकी रिपोर्ट की उस संबंध में हमने FIR लॉन्च कर ली है मिसिंग की, और हम सारे एंगलों से उसको वेरीफाई कर रहे हैं, जल्दी ट्रेस कर लिया जाएगा। ठीक है। पुलिस को मिली शिकायत में पानीपत किला थाना अंतर्गत 5 फरवरी को एक महिला अपने 3 बच्चों को लेकर संदिग्ध परिस्थितियों में कहीं चली गई। वहीं इस मामले में पति द्वारा किला थाना पुलिस को शिकायत दर्ज कराई गई। वही पीड़ित युवक का कहना है कि वो अपनी पत्नी और बच्चों के बिना नहीं रह सकता। अगर 2 रोज में उसकी पत्नी व बच्चे नहीं मिले तो वो आत्मदाह करने पर मजबूर होगा। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।